अजीजान गिरामी, दो आए सलाम करने के लिए, सैयदा ने चेहरा मोड़ लिया, बीबी सलाम का जवाब क्यों नहीं देती? कम मिजाज कुरान समझो, कुरान हर एक को मुंह नहीं लगाता। इतना इतना तर्ज कलाम में एहतियात है परवरदगार के यहां कि अगर काफिर से गुफ्तगू करना हुई, मेरे हबीब कुल हो अल्लाह हो अहद, हम ना कहेंगे तुम कहो, कुल हो अल्लाह हो अहद, कुल या युल काफिरून, यानी जब काफिरों से गुफ्तगू हुई तो बराह रास्त गुफ्तगू नहीं, दरमियान में रसूल को रखा, लेकिन जब ईमान से मोमिनीन से गुफ्तगू हुई तो क्या कहा? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ साहिबान ईमान, यानी तन्हा ईमान वालों से बिल मुबाशिर गुफ्तगू करता है, काफिरों से वास्ता बनाता है। ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये अल्लाह की नूरी मखलूक है। अल्लाह ने दो मकाम ऐसे जाहिर किए हैं जहां पर दोनों मकाम को इस्मत के आला मकाम पर पहुंचाया है अजीजान गिरामी, और दोनों को रोक के रखा। ये तो हम समझते हैं कि आने वाले लोग कैसे थे, लेकिन आपने सुना होगा अगर फला आलिम 40 दिन ये अमल कर ले और अपना कुरहात से अपने आप को बचा ले और इस तरीके से इबादत कर ले, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में इबादत करते करते नफ्स को अगर इतना पाक कर ले तो आलिम को अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि जमीन की हदों को समेट के तय्युल अर्ज में आ जाता है और उसके सामने गुनहगारों के असली चेहरे जाहिर हो जाते हैं। एक आलिम की यह कैफियत है, एक आलिम की यह कैफियत है, अगर अल्लाह के सामने इबादत करके अपने नफ्स का कंट्रोल कर ले तो मादियात के पर्दे हट हो जाते हैं, असलियत जाहिर हो जाती है। मुसलमानों, सिर्फ तुमने यही तो देखा दो आए थे, लेकिन किसको पता कि किस शक्ल में आए थे? कौम जाने लगी, जनाबे मरियम खामोश हैं। हमने कहा परवरदगार जनाबे मरियम से ही कहलवा देता, ये जो कुछ है अल्लाह ने दिया है, ये दलील है? नहीं, अल्लाह ने कानून बना दिया, ये कानून हम बना देते हैं और ये कानून यहां से लेकर के सकीफा तक जाएगा। अभी एक तो हमने मरियम को उतारा है, अभी एक मरियम कुबरा उतारेंगे और आज कानून बना देते हैं। एतराज ना करना, जिस तरीके से मरियम जैसी मासूमा के पास जनाबे ईसा की बदतमीज कौम आई तो मासूमा ने जवाब नहीं दिया, वैसे ही अल्लाह ने कानून बनाया, जब कोई बदतमीज आएगा तो मासूमा जवाब नहीं देगी, चाहे कलाम का जवाब हो या सलाम का जवाब।